मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर, और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदू पत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदू पत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का बकाया है। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतने वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है, चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1,300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो चुनना चाहिए? ये सरकार हर मोर्चे पर फेल गई। आदिवासी इलाकों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में मारे गए हैं, 13,000 से ज्यादा नवजात शिशु मारे गए हैं, संरक्षित पंडो जनजाति के सैकड़ों लोग कुपोषण का शिकार बने हैं, और इसके साथ साथ 1,000 किसानों ने आत्महत्या की है। बघेल जी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म।